वेलकम टू माय चैनल निशास क्रिएटिव कॉर्नर। आज मेरा एक कहानी को रिकॉर्ड करने का मन हुआ, क्योंकि आज की जो शिक्षा हम देख रहे हैं उसमें अगर किसी चीज की कमी है तो वो है मानवीय मूल्यों की, जिसकी हमें आज के दौर में सख्त जरूरत है। और आज जो हमारे यहाँ ये कोरोना का काल चल रहा है, इसमें बहुत कुछ स्तर तक उन मानवीय मूल्यों को दिखाया भी जा रहा है और होना भी चाहिए। होता क्या है कि साधारण तौर पर हम ये सोचते हैं, हमने तो ये किया, हमें लेकिन बदले में क्या मिला। तो हमें वो नहीं सोचना है, हमें उस मानसिक स्थिति से ऊपर आना है कि हमें मिल क्या रहा है बदले में। इससे प्रेरित होकर हम काम करें, अपेक्षाकृत इसके कि हम अपना काम बखूबी किए जाए। हमें अपना कार्मिक अकाउंट स्ट्रॉन्ग करते जाना है, बिना कुछ सोचे हुए कि हमें बदले में क्या मिल रहा है। और आजकल जो महाभारत का प्रसारण हो रहा है, उसमें जो ये श्लोक एक कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू, तो ये जो श्लोक का उच्चारण है, यही हमें सच में अपने जीवन में उतारना होगा। इसी कार्मिक अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करना या बदले की भावना से कोई काम करना, इसका हमें इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करना चाहिए। इसी से संबंधित हम एक कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का शीर्षक है शिक्षा का मूल्य। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था, अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान अपने औजार फेंक तेजी से आवाज की तरफ लपका। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वो बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ था, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी मजबूत टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाल लिया और उसे उसके घर पहुंचा दिया। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। सज्जन ने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रोडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। किसान फ्लेमिंग ने उन सज्जन के ऑफर को ठुकराते हुए कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है, और इंसानियत का कोई पैसा नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस लड़के पर गई तो एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ, फिर आपका बेटा भविष्य में कुछ बन सके। किसान ने सोचा, मैं तो उच्च शिक्षा दिलवा नहीं पाऊंगा और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे कि यह बड़ा आदमी बन सके। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मेरीज मेडिकल स्कूल से स्नातक डिग्री हासिल की और कालांतर में किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। वार्ता यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेंसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो दो बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा
अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आखिरकार लौट कर आपके ही पास आता है, यानी कि अच्छाई पलट कर जरूर आती है। अतः यकीन मानिए कि मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।